अभी हम लोग पहुंच गए हैं पुणे और इफ्जा को हॉस्टल में छोड़ने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में। वहाँ पे मैंने एक होटल बुक कर लिया है, एक रूम, क्योंकि मुझे तो वहाँ रहने नहीं दे रहे हैं हॉस्टल में, तो फिर मैंने अपने लिए एक रूम ले लिया है। तो इसके बाद हम लोग अगले दिन घूमने जा रहे हैं, इफ्जा, उसके फ्रेंड और मैं, वहाँ पे जो भोसरी गार्डन है पुणे में, तो वहाँ पे हम लोग बस से जा रहे हैं। और यहाँ जो है मॉनसून का सीज़न है, तो पूरा रेनी सीज़न है, थोड़ी थोड़ी बाद ही बारिश हो रही है। फिर भी हम लोग चले गए हैं देखने के लिए, क्योंकि यहाँ रुकने से भी हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो इसी बारिश को मजा लेते हुए हम लोग गए हैं भोसरी गार्डन में। और यहाँ पे बच्चों प्लेग्राउंड है और बहुत सुंदर सा ये जगह है और चारों तरफ हरियाली है, तो हमें यहाँ आके बहुत मज़ा आया। क्योंकि बारिश हो रही है तो यहाँ लोग भी कम आ रहे हैं, तभी फिर भी हम लोगों ने इस गार्डन का मज़ा लिया और चारों तरफ घूमे। और आप लोग भी वीडियो में बने रहिए और इस तरह से मेरे साथ बने रहिए, और हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं तो आपको दिखाते रहेंगे। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आ रहा है। पूरा हमें शॉर्ट हो या लॉन्ग वीडियो मैं बना रही हूँ। और प्लीज़ 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 मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मैं इसके बाद जाऊँगी मुंबई, तो वहाँ पे महाराष्ट्र का जो जो व्यू पॉइंट्स है मैं वहाँ भी जाऊँगी, तो वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाऊँगी कैसा लगा वहाँ पे। तो ये है देखिए भोसरी गार्डन का टेंपल है, यहाँ बंद है अभी, जाना मना है, फिर भी हम लोगों ने दूर से जो है पिक्चर ले ली है। तो यहाँ पे आप लोग मेरे वीडियो में मज़ा कीजिए और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। बाय बाय।